सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर जेडीएफ। इट्स अबाउट जेसी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो बाबा जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं इवो गन्स मैक्स करने के बारे में कि आप लोग इवो गन जो है अपनी किस तरह से चीप प्राइस में मैक्स कर सकते हो। यार इवो गन एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा पहले तो चाहता है कि मेरे पास हाल इवोज हो, उसके बाद हर बंदा ये चाहता है कि भाई मेरे पास हाल इवोज हों वो भी मैक्स हों। तो यार अब आल इवोज हों उसके बाद मैक्स भी हों, उसके लिए आप लोगों के पास दो ही तरीके हैं कि आप लोग या तो अपनी किडनी शिडनी बेच के आल इवोज निकालो और उसके बाद उनको मैक्स भी करो, या फिर आपके भाई जो तरीका बताने वाला है इसको फॉलो करो। तो यार इस तरीके में आप लोग को मैं बताता हूँ कि मेरे पास असल में दो तरीके हैं। एक तरीका जो मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताऊँगा और एक वीडियो में एक तरीका मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वो जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को तरीका बताऊँगा, मैं पहले बता लूँ उसमें आप लोगों को चाहिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि उसमें तकरीबन आपका एक मंथ बड़े सुकून से लग सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को परचेज करनी पड़ती है मंथली मेंबरशिप। तो आज का जो तरीका ये चटपट वाला तरीका है, इसमें आप लोगों ने जस्ट टॉप अप करना है और अपनी गन मैक्स कर लेनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन जहां पर आप लोगों को नॉर्मली एक इवो गन मैक्स करने में आपके 10-12,000 डायमंड लगे जाते हैं, वही आज की वीडियो देखने के बाद जो आज मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं वो गन मैक्स करने का, इसको यूज करने के बाद आप लोग जितने जितने में आपकी एक गन मैक्स होती है उतने में आप दो गन अपनी मैक्स कर सकते हो, फिर एक मैक्स कर सकते हो और एक लेवल 6 कर सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं अब हम लोग ट्रिक की तरफ। सो गाइज आप लोगों ने सबसे पहले तो चल जाना है अपने रिडीम सेक्शन में। यहाँ पर आप वॉलेट में जाकर के आप लोगों को जहाँ पर टोकन्स पड़े होते हैं अदर्स में जाकर के आप लोगों को वहाँ पर नजर आएंगे आपके सारे टोकन्स, वहाँ पर जाकर के आप लोगों ने चल जाना है FF टोकन्स पे। तो यार FF टोकन्स में आप लोगों को बता दूँगा कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को। मोस्टली बंदों को पता ही होगा कि आप लोगों को लक रॉयल वगैरह से सबसे ज़्यादा FF टोकन्स मिलते हैं स्पिन वगैरह करने पर, और डायमंड रॉयल में जब कोई चीज़ आप लोग निकालते हो आप लोगों के पास परमानेंट ऑलरेडी होती है तो उसमें आप लोगों को जो है FF टोकन उसकी जगह दे दिए जाते हैं। तो यार सबसे पहले आप लोगों चल जाना है FF टोकन वाले सेक्शन पर, वहाँ पर एक्सचेंज कर लेना आप लोगों को जाकर 700 डिस्काउंट वाला कूपन। ये कूपन आप लोगों ने डिस्काउंट वाला लेने के बाद वहाँ से आप लोगों ने परचेस कर लेना है और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा FF टोकन अपने कलेक्ट करने हैं और ज़्यादा ज़्यादा ये जो है ये 700 माइनस वाली ये आप लोगों ने कूपन्स बाय कर लेने हैं। उसके बाद चल जाने आप लोगों ने सिंपली अपने आर्मरी पे, आर्मरी पर जाने के बाद आप लोगों ने जा करके तो ढूंढना है जो भी आप लोगों ने गन मैक्स करने हैं उसके टोकन, और यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई भी फिलहाल उठा के दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने इस पर जाकर के चल जाने परचेज पे। अब मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों ने बाय किस तरह से करने हैं। आप लोगों ने ये नहीं कि आप लोगों ने बाबा जी फुल यहाँ पर जो है 99 करके तो आप लोगों ने 2000 वाला कूपन लगा दिया, इस तरह आप लोगों को महंगा पड़ जाएगा। तब भी उस बावजूद मतलब ये 700 माइनस वाले कूपन के बावजूद भी आप लोगों को महंगा पड़ जाएगा। फिर आप लोगों ने अब करना क्या, आप लोगों ने 54 54 करके 54 क्रेट पहले बाय करो, उसके बाद दोबारा 54 54, उसके बाद दोबारा 54, मतलब आप लोगों ने 2000 2000 डायमंड करके स्पेंड करने हैं। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो जहाँ पर मुझे 2700 के टोकन पड़ने थे वहीं अब मुझे यहाँ पर जो है 2000 के टोकन पड़े, मतलब 700 डायमंड्स का मुझे डिस्काउंट मिल गया। और 700 डायमंड्स का डिस्काउंट मतलब आप लोगों को हर एक आप लोगों को 1200 रुपये, आपके 1200 रुपये बच गए एक गन को मैक्स करने के पीछे आपके। अगर हम लोग ये टोकन 54 54 54 हम लोग 3 मरतबा बाय करें तो हम लोग बड़ी ईजिली एक गन मैक्स कर सकते हैं। और आप कह लो कि आप लोग का 1200 को आप लोग 3 मरतबा अगर मल्टीप्लाई करो तो आप लोग का बन जाता है तकरीबन 3600 रुपया। आप लोग 3600 रुपये आप लोग का आपके बहने बचा दिए, मतलब एक गन मैक्स करने आप लोगों ने तो आप लोग को 3600 रुपये बच गए हैं। आप लोगों को एक गन मैक्स जो नॉर्मली होती है, जितने में एक गन हमारी नॉर्मली मैक्स होती है वो आप लोगों को डिस्काउंट में कितने की पड़ी, आप लोगों का 3600 रुपया बच गया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड की, जो दूसरा मेथड मंथली मेंबरशिप वाले। यहाँ पर मोस्टली बंदों को तो खुद ब खुद ही समझ लगी होगी क्योंकि बाबूजी सारे अकलमंद ही बैठे हुए यहाँ पे कि वो क्या मतलब कौन सी गेम की है। लेकिन जिन भाइयों को अभी तक नहीं समझ लगी कि मंथली मेंबरशिप के थ्रू आप लोगों ने ट्रिक यूज़ करके किस तरह से गन मैक्स करनी है, तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो दोबारा से जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बना करके, तो मतलब किसी ना किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जो लोग अगर चाहते हैं कि मैं एक वीडियो उसके बारे में भी बना दूँ तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे बता दो, नहीं बताओगे तो बाबा जी मैं फिर भी बना दूंगा वीडियो। सो यार आई होप सो कि आज वीडियो आप लोगों का ही होगी पसंद। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।